हमारी संस्कृति, हमारे संस्कार सदा रहें हमारे साथ। सब्सक्राइब करें तिलक। भक्तों नमस्कार, प्रणाम और बहुत बहुत अभिनंदन। भक्तों, हमारे देश में हजारों ऐसे मंदिर हैं जिनसे जुड़े कई हैरतअंगेज किस्से कहानियां हैं, जो न केवल जनसामान्य को रोमांचित करते बल्कि अपने चमत्कारों के समक्ष श्रद्धा और भक्ति से नतमस्तक होने को विवश भी करते हैं। ऐसा ही चमत्कारिक और रहस्यमय मंदिर है चार भुजा मंदिर। भक्तों, गढ़बोर का चार भुजा मंदिर भारत के राजस्थान राज्य में राजसमंद जिले की कुंभलगढ़ तहसील के गढ़बोर गांव में स्थित भगवान कृष्ण को समर्पित एक ऐतिहासिक और प्राचीन वैष्णव मंदिर है। इस मंदिर में विराजमान भगवान श्री कृष्ण की चार भुजाएं हैं, इसलिए इन्हें चार भुजानाथ कहा जाता है। कुमावत वंश के लोग भगवान चार भुजानाथ को अपना कुल देवता मानते हैं। चार भुजानाथ की दिव्य मूर्ति पांडवों द्वारा पूजित लगभग 5,500 वर्ष पुरानी मूर्ति है। भक्तों, चार भुजानाथ मंदिर अद्भुत वास्तुकला से सुशोभित है। प्रवेश द्वार के दोनों तरफ पत्थर के हाथी और आंगन में गरुड़ जी विराजमान हैं। मंदिर के सामने जगमोहन की खुली जगह है, जहां बैठकर लोग दर्शन पूजन करते हैं। संगमरमर निर्मित इस मंदिर के गर्भगृह की दीवारों पर कांच और दर्पण की अनुपम कलाकारी देखते ही बनती है। मेवाड़ और मारवाड़ राज्यों से भारी दान मिलने के कारण गर्भगृह के आंतरिक शटर सोने के और बाहरी शटर चांदी के बने हुए हैं। इस मंदिर के वैभव का अनुमान इसी बात से लगाया जा सकता है कि इस मंदिर के ज्यादातर खिड़की दरवाजे चांदी से ढके हैं। भक्तों, चार भुजानाथ के इस मंदिर की रक्षा के लिए लगभग 125 युद्ध हुए हैं, क्योंकि इस मंदिर पर आततायियों और आक्रमणकारियों के निरंतर आक्रमण होते रहे हैं। मुगलों और खासकर औरंगजेब जैसे क्रूर शासकों से सुरक्षा के लिए मूर्ति को कई बार पानी में डुबोया गया। भक्तों, गढ़बोर में चार भुजानाथ का प्रतिवर्ष भाद्रपद मास शुक्ल पक्ष की एकादशी अर्थात जलझुलनी एकादशी को विशाल मेला लगता है। भक्तों, जलझुलनी एकादशी के अतिरिक्त भी गढ़बोर के चार भुजा मंदिर में होली, नवरात्रि, रामनवमी, दीपावली आदि दिवसों पर भी विशेष उत्सव मनाए जाते हैं और दर्शनार्थियों तथा श्रद्धालुओं का अच्छा खासा हुजूम उमड़ता है। भक्तों, गढ़बोर के चार भुजानाथ मंदिर के अलावा रोकड़िया हनुमान जी का मंदिर, लक्ष्मण झूला, श्री राम मंदिर, रूप नारायण जी, कुंभलगढ़ किला, परशुराम महादेव, रणकपूर जैन मंदिर, द्वारकाधीश मंदिर एवं श्रीनाथ जी नाथ द्वारा जैसे कई दर्शनीय स्थल हैं, जहां की यात्रा आपके लिए यादगार साबित हो सकती है। भक्तों, प्रायः इस मंदिर में भगवान की मंगला आरती 5 बजे, श्रृंगार आरती 8:30 बजे, माखन मिश्री भोग 9:30 बजे, राजभोग 12:30 बजे, संध्या आरती 6:30 बजे और शयन आरती 10 बजे होती है। विशेष परिस्थितिवश निर्धारित समय में परिवर्तन संभव है। भक्तों, चार भुजा मंदिर मंगला आरती के साथ सुबह 5 बजे खुल जाता है तो फिर रात 10 बजे तक खुला रहता है। इस अवधि में दर्शनार्थी और भक्तजन दर्शन पूजन करते हैं। तो अगर आप चार भुजा मंदिर गढ़बोर की यात्रा के बारे में विचार कर रहे हैं तो आपके लिए सबसे अच्छा समय अक्टूबर से मार्च है। सर्दियों का मौसम इस शहर की यात्रा का सबसे अनुकूल समय है। भक्तों, अगर आप भी चार भुजा मंदिर गढ़बोर की यात्रा करने की इच्छा रखते हैं और भगवान चार भुजा के दर्शन पूजन कर अपने मनोरथ पूर्ण करने के इच्छुक हैं तो अपने बजट, क्षमता और सुविधा अनुसार
यात्रा का शुभारंभ कीजिए। तो आज के इस एपिसोड में इतना ही। एक नए धाम की यात्रा में फिर मिलते हैं। नमस्कार, प्रणाम, इति शुभम।